बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नारिफ न्यूज़ की खास खास खबरों के साथ मैं हूं ताहा। खबर शामिल करते हैं मदी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे हाजी अंसर जावेद की तफसीलात के मुताबिक। मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी ने महकमा महबूद आबादी के जेर तमाम आलमी योम आबादी के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमती आबादी में बेहंगम इजाफे की रोकथाम के लिए इसलाही व इंतजामी इकदाम कर रही है, क्योंकि वसाइल और आबादी के तवाजन को बरकरार रखकर ही मुल्क की तरक्की मुमकिन हो सकती है। उन्होंने कहा कि 4.25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क अब तकरीबन 23 करोड़ की आबादी तक पहुँच गया है, और अगर बढ़ती हुई आबादी के मसले का संजीदगी से हल ना किया गया तो 2047 तक मुल्क की आबादी 50 करोड़ तक हो जाएगी, जिससे मुल्क में बेरोजगारी और गुरबत बढ़ेगी। इस हवाले से 11 जुलाई आलमी पॉपुलेशन डे के मौका पर मंडी बहाउद्दीन के DO पॉपुलेशन ऑफिसर अबुल हसन बद्दीन से गुफ्तगू की है। और कोशिश की गई है कि इस तेज़ी से बढ़ती आबादी के हवाले से जितने मसाइल पैदा हो रहे हैं उन मसाइल का लोगों के सामने भी है वह अदा किया जाए, लोगों के सामने बयान किया जाए, और उसके साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट उन मसाइल को हल करने में क्या काम कर रहा है। और लाइन डिपार्टमेंट जो हमारे साथ CO हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, NGOs हैं, वो हमारे साथ किस तरीके से खिला देता है। इसके साथ साथ हमने इन लाइन डिपार्टमेंट्स का बहुत जो है शुक्रिया अदा की है, उनको शीट हमने दी है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो हमारे साथ आबादी के मसाइल हल करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए नारिफोन न्यूज़ के साथ रहिएगा। आप हमारी खबरें YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा www.94news.us। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।